सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले की कथा को इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया है। आपको अगर सुनना देखना है इसके पहले वाले वीडियो को आप देखे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं उसके आगे से इसमें बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। अब तो उस बटलोई में कुछ भी नहीं बचा है, श्री कृष्ण ने कहा। जरा अपनी बटलोई मुझे दिखाओ तो सही। कृष्णा बटलोई ले आई। श्री कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर देखा तो उसके गले में उन्हें एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तुरंत तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प पढ़ा, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे कि अब हम लोग वहाँ जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा ने चुपचाप भाग जाना ही सिहस्कर समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भगवत भक्त और अमरीश के यहाँ उन पर जो कुछ बीती थी उनके बाद उन्हें भक्तों से बड़ा डर लगने लगा। बस सब लोग वहाँ से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों से सबके भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी श्री कृष्ण भक्त से पांडवों की एक भारी बला टल गई। श्री कृष्ण ने आकर उन्हें दुर्वासा के कोप से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। एक बार वन में भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आए। उस समय बातों ही बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहिन मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ।
मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंतर या औषध जानती हो? अथवा क्या तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाए। देवी द्रौपदी ने कहा, बहन, आप श्याम सुंदर को या श्याम सुंदर की पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बात करती हैं? शति साध्वी स्त्रियां जंतर मंतर आदि से उतनी ही दूर रहती हैं जितनी सांप बिच्छू से। क्या पति को जंतर मंतर आदि से वश में किया जा सकता है? भोली भाली अथवा दुराचारी स्त्री ही पति को वश में करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती है। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पति का अहित ही करती है। ऐसी स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किस प्रकार का आचरण मैं करती हूँ। उन्होंने कहा, बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से अपने पतियों का मान रखती हूँ। मैं कटुभाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती तथा पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं तब तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घर के बर्तनों को माँज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ू बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर भी अधिक नहीं ठहरती, सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो
मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए समय बिताती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बात बताई है उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्र आल अलंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय कार्य करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी से मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।